वीडियो क्रिएटर के पास, जो वीडियो बनाती है एक लड़की, और वो लड़की इनके पति को ही फंसा लेती है, यानी जाती है मदद के लिए। इनका आरोप है कि वो उनके पति को ही फंसा लेती है। चाहती हूँ उसके साथ, और 2 महीने से मेरे पति के साथ ही है वो। बड़ा आरोप आप लगा रही हैं, झूठ बोलिएगा तो आप पर भी केस होगा ना। प्रूफ है, प्रूफ है मेरे पास, बताइए। लवली सिंह मुझे मारने का धमकी दे रही है, इसलिए मैं कोर्ट तक गई हूँ। अच्छा, मोबाइल पर धमकी दी है? हाँ, मोबाइल पर धमकी दी है। बताइए दोस्तों, दारू पीती है, दारू पीने के बाद इनके पति के साथ चिपकती है, जैसा इनका आरोप है। अब आप क्या कीजिएगा, आपके पति को तो छीन ली। अच्छा, लवली लवली के साथ आपने वीडियो कॉल पर देखा, क्या ये भी देखा कि लवली आपके पति के साथ, जो पति पत्नी जब शादी, आप बता रही कि शादी हो गया तो पति पत्नी के साथ सुहागरात भी होता है, ये आपने देखा वीडियो कॉल पे? वो कौन दिखा सकता है, वो नहीं दिखाई। लवली धमकी देती है। बताइए दोस्तों, एक तो इनके पति को छीन लिया जाता है इनसे, जो ये लव मैरिज की थी, अब इनके दिल पर क्या बीत रही होगा आप ही जानिए, कि इनके पति को छीन लिया गया, अब पति कहता है कि आप नहीं रखेंगे, आपको तो दे दिया गया। लवली सिंह को कितना का फोन था? 1.5 लाख का था। 2.5 लाख का फोन, बाप रे बाप, 2.5 लाख का फोन दे दिया गया। और तो अच्छा, फोन दिखाइएगा थोड़ा, आपके पति के नाम से है तो उस फोन की भी जांच हो जाएगी कि किसके नाम से है। सोने का चैन लवली के गले में है, इनका आरोप है। गले में है, देखिए सोना का चैन। ओ माय गॉड, देखिए डिस्प्ले पर आप लोग चला दीजिएगा, परेशान मत होइए, फोटो ले लीजिएगा। देखिए सिंदूर वाला फोटो भी निकल रहा है। आप लवली का गला, आप थोड़ा सब्र बांध के देखिए फेस हुआ, चैन हुआ मेरे पति का, ये लवली का सिर है। जो मैं क्या स्टेप लेना चाहती हैं आपको, अब आपके पति को छीन लिया गया। मैं लवली के खिलाफ FIR दर्ज करा चुकी हूँ, ये मेरे पास सबूत है। कोर्ट में डायरेक्ट कोर्ट गई हैं। हाँ, लवली के खिलाफ FIR दर्ज मैं करा चुकी हूँ कोर्ट में, अब मुझे इंसाफ चाहिए। दोस्तों, बिहार में आए दिन शोषण हो रहा है। एक महिला बगल में खड़ी है, एक ये जाती है एक वीडियो क्रिएटर के पास, जो वीडियो बनाती है एक लड़की, और वो लड़की इनके पति को ही फंसा लेती है, यानी जाती है मदद के लिए। इनका आरोप है कि वो उनके पति को ही फंसा लेती है। कौन आपके पति को फंसा ली है? लवली सिंह। लवली सिंह, हाँ। वीडियो बनाती है? हाँ, वो फ्रॉड वीडियो बनाती है, यूट्यूब में काम करती है, और लवली सिंह नाम हुआ। मैं उनसे हेल्प मांगने के लिए आई थी, और वो मेरे पति को उल्टा ही फंसा के उनके साथ। कैसे पता चला आपके पति को फंसा ली? क्योंकि वो मुझे वीडियो कॉल करके दिखाती है, मेरे पति के फोन से खुद मुझे कॉल करके अपना आवाज सुनाती है वो, कि वो मेरे हस्बैंड हुए, तुम्हारा छोड़ा छोड़ी हो गया है, अब बबलू मेरा हस्बैंड हुआ, तुम्हारा उससे कोई संबंध नहीं है, अब मैं रहना चाहती हूँ उसके साथ, 2 महीने से मेरे पति के साथ ही है वो। बड़ा आरोप आप लगा रही हैं, झूठ बोलिएगा तो आप पर भी केस होगा ना। प्रूफ है, प्रूफ है मेरे पास। बताइए दोस्तों, आज के इस कलयुग में ये जाती है मदद लेने के लिए, मदद लेने की बजाय इनके पति को ही छीन लिया जाता है। क्या सब हुआ था, यानी आपके पति से शादी कर ली? हाँ, मेरे पति से शादी कर ली। फिर उसके आगे? उसके आगे शादी कर ली, दोनों साथ में है, दोनों फरार है अभी, और अभी तक मेरे सामने नहीं आए हैं लवली और मेरे हस्बैंड, अभी तक मेरे सामने नहीं आए हैं। दोनों फरार है, कितने दिन से फरार है? अभी तो फिलहाल एक महीना हो गया कंटिन्यू, 1 महीने से वो लोग साथ ही रह रहे हैं, और 31 तारीख को मैं डिस्चार्ज हुई थी मेडिकल हॉस्पिटल से। लवली का कुछ रिकॉर्डिंग हमारे पास है, वो कह रही है कि आपका 30,000 रुपया किसी ने ले लिया, आप जहर खा ली, यानी किसी ने आपको जहर मुंह में खिला दिया, ऐसा कुछ? नहीं, लवली ने मुझे धमकाया कि अब बबलू तेरा कोई संबंध नहीं रहा, कोई रिश्ता नहीं रहा, और मैं थाना में गई थी, मेरा हस्बैंड ने थाना में, डेल्हा थाना में कॉल कर दिया कि इसका कोई मतलब FIR दर्ज मत करो, तो उसी सिलसिले में मैंने गुस्सा आके मैंने पॉइजन खा लिया। इसमें कोई भी आदमी कोई भी जेंट्स मतलब मुझे ज़बरदस्ती पॉइजन नहीं खिलाया, मैंने गुस्से में आके मैंने खा लिया। अच्छा, वीडियो कॉल की बात बताएं, वीडियो कॉल पर आपको क्या दिखाती थी वो? वीडियो कॉल पे दोनों चिपक के दिखाते हैं, साथ रह के दिखाते हैं, और दोनों साथ पीते भी हैं, तीनों मतलब दारू पीते हैं। हाँ, लवली और वो दोनों हस्बैंड साथ में बैठते हैं, एक और लड़के भी हैं जिनके साथ मतलब स्टूडियो में, आजकल ये बात मुझे पता चली है स्टूडियो वाली। अच्छा, कुछ प्रूफ होगा ना आपके पास? इतना सारा ब्लेम लगा रही हैं आप, कोर्ट तक पहुंच गई हैं इस आवेदन को लेकर, कोर्ट तक पहुंच गई हैं, आपके पास कोई प्रूफ तो होगा ना? लवली सिंह मुझे मारने का धमकी दे रही है, इसलिए मैं कोर्ट तक गई हूँ। अच्छा, मोबाइल पर धमकी दी है? हाँ, मोबाइल पर धमकी दी है। कौन सा मोबाइल है आपके पास? मेरे पास iPhone 15 है। तो आईफोन में तो रिकॉर्डिंग नहीं होता है? नहीं होता, मैं मतलब NGO वाले मतलब मीडिया वाले के साथ मैंने मतलब रिकॉर्डिंग करवाया मैंने उसका। यानी कुछ है एविडेंस आपके? हाँ, एविडेंस, पूरा एविडेंस है। बताइए दोस्तों, दारू पीती है, दारू पीने के बाद इनके पति के साथ चिपकती है, जैसा इनका आरोप है। अब आप क्या कीजिएगा, आपके पति को तो छीन ली? मेरा पति को छीन ली, अब ये जान रहे हैं, क्योंकि मेरा पति हस्बैंड पहले से शादीशुदा थे,
पहले से, मतलब उनका दो शादी था, पहले से शादीशुदा थे, पहले से शादीशुदा थे। कितना शादी पहले हो चुका है? पहले दो शादी हो गया, दो शादी पहले, तीसरी शादी आपसे, चौथी शादी लवली से, यानी शादी पर शादी, शादी पर शादी। और तो और मुझे घर भी लेके गया वो, मैं उनके पूरे परिवार के साथ रही हूँ एक साल, और मतलब सास ससुर, उनके दो बच्चे भी है, दोनों वाइफ के एक बच्चे भी हैं, मैं उनके दो साथ भी रही हूँ, और उनके मतलब पूरे परिवार में मिलजुल के मैंने। आपकी शादी कैसे हुई थी? हम लोग की शादी ऐसी मतलब रूम भी हुई थी, लव मैरिज किया था। लव मैरिज आपने किया था? आपको ये मालूम नहीं था कि पहले से दो शादीशुदा है, फिर तीसरा क्या भरोसा छोड़ के चल जाएगा, जो चला भी गया? भरोसा था ना कि वो मुझे अपने घर लेके चला गया था। घर गई थी आप? हाँ, मैं ससुराल में गई थी, बट अब मुझे सास ससुर और मेरे हस्बैंड ने ससुराल से। आपको पता है ना, आपको पता है बोलने से कुछ नहीं होता, अदालत सबूत मांगती है। सबूत है, काफी एविडेंस है। जिस रूम पे लवली मतलब कोई ना कोई लड़की नाम की एक लड़की रखी हुई थी, उसको मतलब कुछ नौकरी दिलाने का झांसा दे के लवली सिंह रखी हुई थी। अच्छा, लवली के साथ आपने वीडियो कॉल पर देखा? हाँ। क्या ये भी देखा कि लवली आपके पति के साथ, जो पति पत्नी जब शादी, आप बता रही कि शादी हो गया तो पति पत्नी के साथ सुहागरात भी होता है, ये आपने देखा वीडियो कॉल पे? वो कौन दिखा सकता है? नहीं दिखाई, वो तो नहीं दिखाया, सिर्फ इतना दिखाई कि हम सिंदूर डाल लिए। हाँ, बट लवली काफी लोग को ब्लैकमेल करी हुई है, काफी लोगों को ब्लैकमेल की है। उसके अभी एक बॉयफ्रेंड है, उसका 3-3 चार बॉयफ्रेंड है, और सबको मतलब कैमरा मतलब ले जाके मतलब ब्लैकमेल ही करती है पैसा के लिए। और कितने सारे अभी उसके बॉयफ्रेंड, जो बॉयफ्रेंड छोड़ा है, अभी मैंने आई थी नया मांगने के लिए तो मुझे। अच्छा, आप पटना आई, कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर छत्तीसगढ़ हुआ। छत्तीसगढ़ से पटना आ गई? हाँ। और पटना में आपकी, आपको मदद किसने किया? मुझे एनजीओ वाले ने मदद किया। कुछ एनजीओ थे? हाँ, एनजीओ वाले। तो वो भी तो किसी एनजीओ में ही काम करती है? वो एनजीओ में काम नहीं करती थी, वो ऐसे झूठे पत्रकार मतलब न्यूज रिपोर्टर थी, वो को मुझे वीडियो बनाती थी, वीडियो क्रिएटर, रिपोर्टर मत बोलिए। हाँ, वीडियो बनाती थी, वीडियो बनाती थी। यानी आपको उसके पास जाना हुआ कि एनजीओ में काम करती है, जिसकी वजह से आप चल गए उसके पास? हाँ, मुझे लगा था कि वो लड़की मेरी हेल्प करेगी, ये मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पति के साथ मतलब 5-6 दिन में रंगरलिया बनाने लगेगी, और उल्टा मुझे कॉल करके धमका रही है, डरा रही है, यहाँ तक को काफी लोग को डराई है, धमकाई है। यानी आपको कॉल कर रही है? कॉल भी क्या बोल रही है कॉल पे? मुझे यही बोल रही है कि तुम कौन होती हो, हम राजपूत के औलाद है, मेरा बाप कुछ नहीं कर पाया, तो तुम कौन होती हो मेरा कुछ करने वाला। लवली खुद बोलती है, धमकी दे रही है आपको? हाँ, लवली धमकी देती है। बताइए दोस्तों, एक तो इनके पति को छीन लिया जाता है इनसे, जो ये लव मैरिज की थी, अब इनके दिल पर क्या बीत रही होगा आप ही जानिए, कि इनके पति को छीन लिया गया, अब पति कहता है कि अब नहीं रखेंगे आपको। हाँ, हमको नहीं रखेंगे बोल रहे हैं। और किसको रखेगा वो? अब किसको रखेगा, क्या नहीं रखेगा, वही जाने। फिर शादी करेगा? अब कितनी ये शादी करेगा वो भगवान जाने, वही जाने। अच्छा, आपने कहा था कि आपके पास कुछ मोबाइल था। हाँ, मोबाइल कौन? हाँ, सा मोबाइल था? मेरा फोन था, डबल फोर का, सैमसंग का था। वो किसके नाम से था रजिस्टर्ड फोन? मेरे हस्बैंड के नाम से था रजिस्टर्ड। हस्बैंड के नाम से? हाँ। फोन का कुछ फोटो वोटो है आपके पास? हाँ, फोन दिखाइए। दिखा रही। किनको फोन दे दिया गया? अभी लवली को दे दिया। लवली को दे दिया गया? हाँ, लवली सिंह को। कितना का फोन था? 1.5 लाख का था। 2.5 लाख का फोन? बाप रे बाप, 2.5 लाख का फोन दे दिया गया? और तो अच्छा, फोन दिखाइएगा थोड़ा। आपके पति के नाम से है तो उस फोन की भी जांच हो जाएगी कि किसके नाम से है। ये फोन है? हाँ, यही फोन है दोस्तों। देखिए, जिस के हाथ में है, और देखिए ये फोन देख लीजिए आप दोस्तों, जो 2.5 लाख का फोन है, 2.5 लाख एक रुपया नहीं होता, 2.5 लाख का फोन है, जो कि वीडियो क्रिएटर है, वीडियो क्रिएटर के पास ये फोन है, यानी आपके पति के नाम से है। अगर आप झूठ बोलिएगा, बड़ा आरोप लगा रही हैं, अगर इनके नाम से फोन निकलेगा तो फिर आप फंसिएगा। तो नाम करवा भी सकता है दुकान वाले? कैसे करवा देगा? EMI नंबर है ना, EMI नंबर आजकल का फ्रॉड ही चल रहा है ना, कैसे नहीं करवा देगा? मेरा गला का चैन लवली के गले पे है, मैं मेरा गले में है। बताइए इनके गला का चैन कौन चीज का? सोना का, चांदी का, हीरा का, किस चीज का? सोने का था। बताइए, सोने का चैन लवली के गले में है, इनका आरोप है गले में है। देखिए सोना का चैन, ओ माय गॉड, देखिए ये तो खुल गया भैया पोल। देखिए, पति चोर ये वीडियो क्रिएटर है, जो कि देखिए डिस्प्ले पर आप लोग चला दीजिएगा, परेशान मत होइए, फोटो ले लीजिएगा। देखिए, पति चोर वीडियो क्रिएटर है ये, जो कि गले में चैन ये दिखा रही हैं। यही चैन आपका चैन है? हाँ, मेरा। आपने परचेज कहाँ से किया था? मैंने परचेज, मेरा, मैं अपना, मेरा खुद का चैन, मैं पहचानूंगी नहीं कि उसके गले में है। कहीं से तो चैन आया होगा आपके पास, खरीदी होंगी? आया होगा, मैंने खरीदा था, शॉपिंग किया था, कौन आजकल के जमाने पे शॉपिंग नहीं करता। और तो और, इनका ये लड़की का मतलब इसका चेहरा थोड़ा सा गला वो पहचानिएगा। नहीं नहीं, हो गया ये। हाँ। क्लियर हो गया ये तो। मांग वाला सिंदूर भी अंधे लोग भी पहचान लेंगे। हाँ। कि ये कौन है। देखिए, सिंदूर वाला फोटो भी निकल रहा है।
आप लवली का आप थोड़ा सब्र बांध के देखिए, देखिए फेस हुआ चैन हुआ मेरा पति का, ये लवली का सिर है जो मुझे प्रूफ के रिकॉर्डिंग मुझे भेजा गया था, व्हाट्सएप चैटिंग भी है मेरे पास, चैटिंग भी है आपके पास। देखिए सिंदूर डला गया बिना, देखिए कमरे में शादी होती है बंद कमरे में सिंदूर डला दिया जाता है और बंद कमरे में चैन ले लिया जाता है। और चैटिंग दिखाइएगा थोड़ा, चैटिंग भी हम पढ़कर आपको सुनाएंगे कि पति चोर की कहानी क्या है, चैटिंग में क्या कहा गया है। मदद के नाम पे धोखा दिया है ना, अगर आप किसी से मदद लेने आते हैं तो पूरा वेरीफाई हो जाइए कि वो लड़की कौन है, वो लड़का कौन है, नहीं तो एनजीओ के नाम पर आपको लूट लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। ये उस रात लवली मुझसे चैटिंग की थी। देखिए क्या क्या मैं पढ़ के बता देता हूँ। मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया था, मैंने अपने हस्बैंड को कॉल किया तो लवली देखो, आप बोल रही हैं, बोलो ये हाँ, ये लवली बोल रही हैं। हाँ नहीं ये वो बोली, मैंने कॉल किया अपने पति को पहले, कहाँ रुक जाइए दिखाते हैं, मैंने कॉल किया अपने पति को तो पर प्रोफाइल में तो उसका साथ वाला तुम हो ना, मैं बोली हाँ कॉल मी, मैंने बोला कॉल मी तो बोले हमको तुमसे कोई मतलब नहीं है, मेरा पति मुझसे बोला, आपका पति बोला, मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजा है उसको, फिर आपका पति बोलता है कहाँ हो तुम, तो मैंने बोला रूम पर, कहाँ पर, कौन से जगह, कौन सा जगह, कौन सा मकान मालिक, लवली बोल चैटिंग कर रही थी ये लवली चैटिंग कर रही है, गया मैं हो, तो मैंने वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजा, हाँ तो बोले आप गया मैं हो तुम, हाँ गया मैं हो तुम, तो बोले तुम, मैंने बोला हम इसकी, देखिए दोस्तों ये देखिए कह रही है गया मैं हो तुम, उसके बाद ये रिकॉर्डिंग भेजती है, उसके बाद कहती है हम इसकी वाइफ हैं, देखिए इनके पति के नंबर पर लिखा जाता है कि हम इसकी वाइफ हैं, दूसरा लिखा जाता है क्या, आप बोलती हैं क्या, मेरे बोला क्या? बोलती हाँ हम वाइफ हैं। लवली सिंह मेरे से बात भी की है दो मिनट, देखिए दो मिनट वाइस से कॉल बात की है मेरे से लवली सिंह, और आज के बाद लवली बोलती है आज के बाद एक भी कॉल नहीं, नहीं आना चाहिए, देखिए आज के बाद अब इनका पति तो नहीं बोल देगा कि हम इनकी वाइफ हैं, इनके पति के नंबर से कोई और चैटिंग करता है, हाँ। हालांकि ये जांच का विषय है कि कौन चैटिंग कर रही है, लवली कर रही है या लवली के आड़ में कोई और कर रही है, और देखिए नीचे भी लिखा हुआ है कि आज के बाद एक भी कॉल नहीं जाना चाहिए, हाँ। यही ना, और कुछ हाँ। मैसेज डिलीट भी हुए हैं, मैंने वही फोटो स्क्रीनशॉट ले लिया था, ये यहाँ पे दोनों का चिपका साथ का फोटो था और सिंदूर वाला फोटो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था जो आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले दिखाया है, ये तो अगर चेंज करिएगा तो आप मतलब चेक करवाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा फोटो दोनों का आ जाएगा, ये प्रूफ के मुकाबित है। अब क्या स्टेप लेना चाहती हैं आपको, अब आपके पति को छीन लिया गया, मैं लवली के खिलाफ FIR दर्ज करा चुकी हूँ, ये मेरे पास सबूत है कोर्ट में डायरेक्ट कोर्ट गई हैं, हाँ लवली के खिलाफ FIR दर्ज मैं करा चुकी हूँ कोर्ट में, अब मुझे इंसाफ चाहिए क्योंकि जहाँ जिस रिपोर्टर से मैं हेल्प के लिए आई थी वही मेरे पति को छीन लिया, रिपोर्टर मत कहिए, रिपोर्टर के नाम पे एक भद्दा है वो रिपोर्टर, बताइए दोस्तों वीडियो क्रिएटर इनके साथ खेला कर दी, तो क्या सोचते हैं इस वीडियो क्रिएटर के बारे में, और एक संदेश देना चाहेंगे आपको, अगर आप परेशान हैं और मदद लेने आ रहे हैं पटना तो सोच समझ कर आइएगा, नहीं तो आपके पति को, आपके हस्बैंड को, आपके भाई को, आपके बॉयफ्रेंड को छीन लिया जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, गले में चैन आ जाएगा, मांग में सिंदूर आ जाएगा, फिर आपको ब्लैकमेल किया जाएगा। और चैनल का नाम वो न्यूज़ चलाती हैं जैसे वीडियो बनाती, चैनल का क्या नाम है, चैनल दिखा रहे आपको, चैनल का नाम दिखाइए, ये लवली सिंह का चैनल हुआ, ये तो इनका नाम से ही चैनल है, हाँ नाम से ही चैनल है, हाँ नाम से ही चैनल है, और देखिए बहुत सा वीडियो भी अपलोड है, हाँ नाम से ही चैनल है, बिहार टाइम्स 24 जैसे बिहार टाइम्स 24 है, और लवली कुमारी भी नाम रखी है, और नीचे मीडिया न्यूज कंपनी लिखी हुई है, हाँ। तो आप सतर्क हो जाइए कि क्या है ये, और इनके पास अगर आते हैं तो सोच समझ कर आइएगा, नहीं तो आपका भी घर उजड़ जाएगा, पूरा सन्नाटा छा जाएगा, तो क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, क्या सोचते हैं वीडियो क्रिएटर के बारे में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, धन्यवाद।